सभा में आज समझ रहे हो? समझ रहे हो? हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू आवर चैनल बकमू कंट्रोल कंट्रोल। हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। सो फाइनली आफ्टर सो लॉन्ग मैं जा रही हूँ सरोजनी एंड वेरी एक्साइटेड, वेरी 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 एक्साइटेड। मैं लिटरली दिन काउंट कर रही थी कि मैं कब जाऊंगी सरोजनी एंड बहुत दिनों से मैंने शॉपिंग नहीं किया है, तो मैं सोची इस बार मैं सरोजनी से बहुत शॉपिंग करूंगी। लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि सरोजनी में शॉपिंग इज ऑल अबाउट लक। ऐसा नहीं है कि अगर आप एक बार जाते हो तो वहाँ पे आपको बहुत अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे, एंड ऊपर से आज गर्मी बहुत गंदी वाली है। सो आई एम नॉट श्योर, मैं जस्ट एक्सप्लोर करूंगी, अगर कुछ मिला बहुत अच्छा तो डेफिनेटली हॉल आ जाएगा चैनल पे। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। गाइज, सरोजनी जाने से पहले कुछ बातों का हमेशा ध्यान रखना, जैसे कि अपने साथ एक बड़ा बैग लेकर जरूर जाना। इसके अलावा आप अपने साथ पानी का बॉटल जरूर कैरी करना एंड मेक श्योर गर्मी का टाइम है तो आप पूरा ढाका वाला कपड़े पहन के जाओ, सो दैट गर्मी नहीं लगे एंड टैनिंग ना हो। इसके अलावा आपको फुटवेयर भी कंफर्टेबल पहन के जाना है, सो दैट अगर आपको वहाँ पे कोई चप्पल वगैरह या शूज वगैरह ट्राई करना हो तो इजीली आप उसको यू नो ओपन करके खोल कर ट्राई कर सकती हो। गजब बेइज्जती है। तो ये था आज का ज्ञान। अभी हम लोग बोटैनिकल तक जाएंगे बाई कार एंड उसके बाद मैं बेचारी अकेले जाऊंगी मेट्रो स्टेशन मेट्रो से। तो सरोजनी जाने के लिए बेस्ट ऑप्शन मेट्रो है, टाइम भी कम लगता है एंड बहुत ही इजी हो जाता है। सीधा सरोजनी के गेट के सामने ही मेट्रो स्टेशन है तो आप वहाँ पे पहुँच जाओगे एंड बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट वे है जाने का। मैं जब भी सरोजनी जाती हूँ मैं 12-1 बजे निकल जाती हूँ, सो दैट पूरा दिन मेरे पास हो एंड मैं आराम आराम से शॉपिंग करूँ। तो अभी हम लोग सबसे पहले जाएंगे बोटानिकल गार्डन, वहाँ पे हम अपनी गाड़ी को पार्क करेंगे एंड इसके बाद कुन्नू जाएंगे ऑफिस किसी और डायरेक्शन में एंड मैं जाऊँगी सरोजनी। तो यहाँ पे आप अपनी कार को पार्क कर सकते हो एंड इसके बाद मैं आ गई बोटानिकल गार्डन। तो अभी मेट्रो स्टेशन पे जाने से पहले मैं सबसे पहले मास्क लगा ली, अभी कोरोना से बहुत डर लगता है मुझे, स्पेशली बच्चा है घर पे तो उसके लिए ज़्यादा सोचती हूँ। एंड यहाँ पे मैं मेट्रो का वेट कर रही हूँ, जस्ट मेट्रो आने ही वाली है, हर 2 मिनट में ईजिली मिल जाता है तो ज़्यादा वेट करना होता नहीं है एंड रास्ता बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। तो अभी तो जाते जाते मुझे बिल्कुल ही याद हो गया है। देखो देखो हंसते खेलते बातें करते मैं पहुंच गई सरोजनी मार्केट एंड हर बार की तरह इस बार भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड देखने को मिल रहा है। तो चलो चलते हैं बाहर एंड बाहर निकलते ही नहीं भाई लेना तो नहीं है कितने का है 100 का फोर
ये बच्चा इतना गिफ्ट करने लगा तो मुझे भी लगा ले लेना चाहिए। एंड ओवरऑल ये बहुत ज़्यादा क्यूट था, इसमें आपको बहुत सारे डिजाइन मिल जाएगा एंड बहुत ही ज़्यादा चीप भी था, इसलिए मैंने इसके बहुत सारे ये इस टाइप का पेंडेंट परचेज कर लिया। इसके बाद मैं आगे बढ़ी तो यहाँ पे आपको बहुत सारे छोटे छोटे स्टॉल्स मिल जाएंगे। इस पर आपको सिल्वर ज्वेलरी मिल जाएगा, सिल्वर ज्वेलरी के लिए भी सरोजनी इज द बेस्ट, यहाँ पे सबसे सस्ता सिल्वर ज्वेलरी मिलता है। मैं हर जगह घूम चुकी हूँ, मुंबई, पुणे, बैंगलोर, हर जगह, बट सिल्वर ज्वेलरी का क्रेज जो दिल्ली में है ना वो और कहीं नहीं है, एंड सबसे ज़्यादा वहीं पे ये सबसे ज़्यादा चीप मिलता है। आपको 100 रुपीज़ में झुमका मिल जाएगा, 100 रुपीज़ में नेक पीसेस मिल जाएगा। एंड मैं जितनी बार यहाँ जाती हूँ मैं कुछ ना कुछ ज़रूर परचेज करती हूँ। काफ़ी एक तो ये बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल होते हैं, प्लस यहाँ पे हर बार मुझे कुछ नया देखने को मिलता है। मैं इस टाइप का ज्वेलरी ऑलरेडी वहाँ से परचेज की थी, बट इस बार थोड़ा सा डिफरेंस था, इसलिए फिर से मैंने कुछ कुछ ज्वेलरी परचेज कर ही लिया है। मैं व्लॉग सॉरी शॉपिंग हॉल जल्दी ही ट्राई करूँगी अपलोड करने का, वैसे अभी मेरे पास बिल्कुल ही टाइम नहीं होता, इसलिए मैं सारा कुछ बहुत ही पीछे जा रहा है मेरा, बट स्टिल आई एम ट्राइंग कि टाइम पे मैं अपलोड करूँ। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ ज्वेलरी का सैंपल्स नहीं ज्वेलरी दिखा देती हूँ, सो दैट आपको आइडिया मिल जाएगा। प्लस सरोजनी में फ्रूट्स भी मिलते हैं लाइक स्ट्रॉबेरी, कीवी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीप मिलता है एज कम्पेयर टू अदर मार्केट इन दिल्ली। तो मैं हमेशा जब भी मेरे पास कम सामान होता है तो मैं कीवी स्ट्रॉबेरी ज़रूर परचेज करती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इसके बाद अगेन मुझे एक और ज्वेलरी वाले भैया मिले, इनके पास भी बहुत प्यारे प्यारे ज्वेलरी थे। तो हर शॉप पे मोर और लेस यू कैन सी ज्वेलरी रिपीट होते रहते हैं, बट इसी में आपको फाइंड आउट करना है। एंड ये छोटे वाले जो ज्वेलरी हैं ये स्टार्टिंग फ्रॉम 30 है, इस टाइप का इयरिंग आपको 30 रुपीज़ में मिल जाएगा। एंड सेम इयरिंग ऑनलाइन बहुत महंगा मिलता है, इनफैक्ट बाकी जगहों में भी बहुत महंगा मिलता है। एंड ये जो झुमका है ये मुझे बहुत सुंदर लगा, बहुत ही ज़्यादा सुंदर एंड यूनिक था। ये आपको मिल जाएगा ओनली 100 रुपीज़ में, दैट्स इट। प्लस ये चोकर नेकलेस आपको ये भी 100 रुपीज़ में मिल जाएगा, लॉन्ग वाले नेकलेसेस। इसके बाद कुछ क्रंची स्टार्टिंग फ्रॉम 10 रुपीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो अभी मार्केट में बहुत गर्मी लग रही थी, वापस से मैंने मास्क पहन लिया एंड अभी चलो चलते हैं बाहर। ये तो मैं आपको दिखाई जो मेट्रो स्टेशन के ठीक बाहर जो छोटे छोटे स्टॉल्स होते हैं वहाँ पे जो ज्वेलरी मिलता है वो मैं आपको दिखा दी। मेन मार्केट ये है, यहाँ पे आपको बड़ा सा गेट दिख रहा होगा, सरोजनी मार्केट। पहले ये बंद कर रखा था कोविड के टाइम, बट अभी इन्होंने ओपन कर दिया है, तो आप इधर से ही सीधा मार्केट में जा सकते हो। एंड अभी जैसे जैसे दिन ढलता है ना यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्राउड होता है एंड लिटरली पैर रखने का भी जगह नहीं होता है, बाद में मुझे सफोकेशन फील होने लगता है, इसलिए मैं दोपहर के टाइम में आ गई हूँ कि अभी ज़्यादा रश नहीं होगा। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में ये वाले भैया हमेशा यहीं पे होते हैं, इनका आपको बैग्स मिल जाएगा एंड ईच बैग का प्राइस आपको 250 रुपीज़ में, यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे बैग्स का कलेक्शन देखने को मिल जाएगा। फिक्स प्राइस है तो ज़्यादा दिमाग भी ख़राब नहीं करना है, सीधे जाओ, जो पसंद आए उसको उठाओ और यहाँ से निकल लो। इसके बाद सरोजनी मार्केट तो फेमस है 150 रुपीज़ के लिए, कपड़े यहाँ पे आपको 100 रुपीज़ में 50 रुपीज़ में मिल जाएगा। तो मैं यहाँ से थोड़ी बहुत शॉपिंग करी, लाइक एंटर करते ही ये सारा शॉप के आपको मिल जाएगा। शॉपिंग करने के बाद चलो चलते हैं आगे। वैसे ये शॉप का नाम है नंबर 63, इनकेस इफ़ यू वांट आप नोट डाउन कर सकती हो। एंड इसके आगे आपको बहुत सारे यहाँ पे शॉप्स मिल जाएंगे। ये कॉटन किंग वाला ही गली है, ये भैया एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इस रास्ता को याद रखना, सीधा पहले मेरा ही शॉप आता है। इनके पास बहुत अच्छा अच्छा पैंट का वैरायटी था, सारे ब्रांडेड कपड़े आपको यहाँ पे मिल जाएंगे 200, 150, 250 रुपीज़ में। यहाँ पे टॉप स्टार्टिंग फ्रॉम 50 मिल जाएगा, ओनली द थिंग इज आपको थोड़ा सा मेहनत करना होगा। अभी चलो चलते हैं आगे। एंड इस टाइप का जो शॉप होता है यहाँ पे थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि इनके जो कपड़े होते हैं वो वाकई में बहुत अच्छे होते हैं। प्लस आपको यहाँ पे इंडियन वेयर भी मिल जाएगा, कुर्ती स्टार्टिंग फ्रॉम 250 रुपीज़ एंड प्योर कॉटन था, बहुत अच्छा फैब्रिक था। प्लस जो चिकनकारी कुर्ती है ये आपको 650 रुपीज़ में मिल जाएगा। अभी चलते हैं आगे। ठीक कॉटन किंग वाले गली में ही एक बड़ा सा पेड़ है, उस पेड़ के नीचे हमेशा ये भैया वहाँ पे बैठते हैं। इनके पास जो ज्वेलरी का कलेक्शन होता है ना पूरे सरोजनी मार्केट
घूम लो, यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा डिफरेंट एंड यूनिक मिलेगा। तो यहाँ से तो मैं हमेशा कुछ ना कुछ परचेज करती ही करती हूँ। यहाँ पे आपको रिंग्स मिल जाएगा, ब्रेसलेट मिल जाएगा, मतलब ए टू जेड जितनी भी सिल्वर ज्वेलरी का जो भी वैरायटी है वो सारा कुछ आपको मिल जाएगा। यहाँ का रिंग्स का कलेक्शन इस बार मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था, प्लस इस टाइप का ब्रेसलेट काफ़ी अच्छा लगता है। अगर आपको बोहो लुक बहुत ज़्यादा पसंद है, डेफिनेटली ये वाला जो शॉप है ना ये आपके लिए बेस्ट है। यहाँ से आप सारा बोहो ज्वेलरी परचेज कर सकती हो एंड दैट टू बहुत ही ज़्यादा चीप। मैं जितनी भी लड़कियों को इस शॉप पे आते देखती हूँ, यहाँ से भर भर के शॉपिंग करते मैं सबको देखती हूँ। ठीक इनके बगल में जो भैया रहते हैं, इनके पास आपको मेकअप के रिलेटेड ईच एंड एवरी थिंग मिल जाएगा, दैट टू बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल। अगर आप कॉलेज गोइंग गर्ल हो या फिर अगर आप स्कूल गोइंग गर्ल हो, तो आजकल तो स्कूल गोइंग गर्ल भी बहुत ज़्यादा यू नो मेकअप वगैरह करती हैं, तो उनके लिए ये बेस्ट है। थोड़ा बहुत लाइक कभी कभी मेकअप करने के लिए यू कैन हैव दिस बेसिक किट यहाँ से इफ़ यू वॉन्ट। इसके बाद आपको यहाँ पे डेंटल ज्वेलरी भी मिल जाएगा, वो भी मैं आगे आपको दिखा दूंगी। इस टाइप का छोटा छोटा झुमका काफ़ी ज़्यादा क्यूट था, स्टार्टिंग फ्रॉम 30-40 आपको यहाँ पे मिल जाएगा। वेस्टर्न ज्वेलरी आपको स्टार्टिंग फ्रॉम 50 रुपीज़ यहाँ पे मिल जाएगा। इसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ने पे मुझे मिला ये H&M का पैंट, वैसे इसका साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा था इसलिए मैं नहीं परचेज कर पाई। एंड इसके बाद एक और स्टॉल मुझे दिखा ठीक इसी लेन में, उस पेड़ के जस्ट बगल में ही। ये भैया के पास वेस्टर्न ज्वेलरी काफ़ी अच्छा था, स्टार्टिंग फ्रॉम 30 रुपीज़, 30, 50, 60 इतने में ही था। बहुत सुंदर था, बहुत वेराइटी था, सारे ट्रेंडी इयररिंग्स का कलेक्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। एंड इनके पास टू बी वेरी स्पेसिफिक आपको वेस्टर्न डेंटी इयररिंग्स जैसा चाहिए ना वैसा आपको मिल जाएगा, एंड दैट टू बहुत ही ज़्यादा चीप। तो अभी मैं आपको ये वाला स्टॉल भी दिखा दी, अभी चलते हैं और आगे। एंड यहाँ पे यू कैन सी हियर सरोजनी मार्केट में आपको ए टू जेड चीज़ें मिल जाएंगी, ट्रेंच कोड आपको हमेशा ही मिल जाएगा। तो जब भी आप सरोजनी जाओ एक बार मार्केट एक्सप्लोर करना मत भूलना, क्योंकि बहुत सारे लोग अगर दूसरे स्टेट से जाते हैं तो उनको लगता है कि अभी ठंड गर्मी में ठंडी का कपड़ा नहीं मिलेगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। सरोजनी में आपको पूरे साल हर चीज़ मिलता है। तो अगर आप किसी और स्टेट से जा रही हो तो डेफ़िनेटली आप विंटर का शॉपिंग यहाँ से ज़रूर कर सकती हो। ट्रेंच कोट वगैरह ज़रूर परचेज करना, बहुत अच्छा होता है। इस टाइप का ट्रेंच कोट आपको और कहीं भी नहीं मिलेगा, एंड दैट टू बहुत ही ज़्यादा चीप। इसके बाद आपको आजकल मुझे सरोजनी में भी बहुत सारे वेस्टर्न सॉरी इंडियन कपड़ों का शॉप देखने को मिला। इस टाइप का टाई डाई वाला ड्रेस बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है, ये भी बहुत ही ज़्यादा चीप बता रहे थे भैया। तो आप अगर आपको इंडियन कपड़े पहनना पसंद है ट्रेडिशनल, डेफिनेटली आप वो भी यहाँ से परचेज कर सकती हो, दैट टू बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, सरोजनी में ना बहुत अच्छे अच्छे समर कलेक्शन आए हुए हैं, तो अगर घर के आसपास है सरोजनी तो जाओ वहाँ से शॉपिंग करो। समर के लिए स्पेशली बहुत अच्छा दिख रहा था मुझे, मैं बहुत सारा वीडियो फिल्म करके रखी हुई हूँ। तो जल्दी ही मैं सीरीज लेके आने वाली हूँ सरोजनी का, जिसमें मैं सबसे पहला जो सीरीज होगा वो होगा वहाँ का समर कलेक्शन। बहुत ही प्यारे प्यारे, बहुत ही डिफरेंट एंड यूनिक समर कलेक्शन मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इट्स जस्ट बिकॉज मेरे पास टाइम नहीं मिल, इसलिए सारा कुछ इधर उधर हो गया है। तो आप समझ सकते हो बीइंग अ मॉम कितना ज़्यादा मुश्किल होता है चीज़ों को यू नो मैनेज्ड वे में रखना, एंड अपने लिए टाइम निकालना, वीडियो बनाने के लिए टाइम निकालना। यहाँ बैकग्राउंड में जो भी नॉइज सुनाई दे रहा है, ये मेरा बच्चा यहाँ पे खेल रहा है एंड मैं वीडियो भी साथ ही साथ एडिट कर रही हूँ। तो सरोजनी में जैसा कि मैं पहले भी बताई कि ऐसा नहीं है, अगर आप किसी और स्टेट से जा रही हो तो डेफिनेटली आप विंटर वाला अभी शॉपिंग वहाँ से कर लेना इन एडवांस, क्योंकि सरोजनी में पूरा टाइम आपको जाके ट्रेंच कोट वगैरह मिल जाएगा, एंड दैट टू बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल। 100 रुपये और 50 रुपये वाला सेक्शन आपको हर गली में मिल जाएगा, बस आपको थोड़ा सा मेहनत करना है, थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा एंड आपको फाइंड आउट करना होगा। इसमें भी आपको बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड वाले कपड़े मिल जाएंगे, जिसमें थोड़ा बहुत डिफेक्ट होता है जो कि काम चलाऊ होता है, आप यू नो एक दो बार पहन सकती हो, तो पसंद आए तो डेफ़िनेटली आप परचेज कर सकती हो। एंड इसके अलावा बहुत बड़ा मार्केट है ये, बहुत बड़ा मार्केट है, इतनी धूप में मैं पूरा मार्केट एक्सप्लोर की हूँ, तो जल्दी ही मैं कोशिश करूँगी पूरा वीडियो अपलोड करने का। तो यहाँ पे आपको ब्लेजर्स का भी बहुत अच्छा ऑप्शन मिल जाएगा। कलरफुल ब्लेजर्स हमेशा ही ट्रेंड में रहते हैं एंड मुझे ब्लेजर्स पहनना बहुत पसंद है,
तो मैं तो हमेशा ट्राई करती हूँ कुछ ना कुछ डेनिम जैकेट वगैरह ऐसी चीज़ें परचेज करने का जो मैं बार बार पहन सकूँ, जिसको मैं बार बार यूज कर सकूँ। एंड हाँ, जैसे जैसे दिन बढ़ते जाता है ना, यहाँ पे क्राउड बढ़ते ही जाता है। यहाँ पे मुझे 50 रुपये 100 रुपये में डेनिम स्कर्ट दिख रहा था, काफ़ी अच्छा था ये। डेनिम तो वैसे भी ख़राब नहीं होता है, प्लस इसमें बहुत सारे कलर ऑप्शन थे, डिफरेंट डिफरेंट साइजेस था, तो आप ट्राई करके यहाँ से परचेज कर सकती हूँ। ये वाला भी शॉप काफ़ी बड़ा है, ठीक कॉर्नर पे है, जहाँ पे सब्जी मंडी वाला मार्केट ख़त्म होता है वहीं पे कॉर्नर पे ये भैया लगाते हैं। प्लस आपको ट्रेडिशनल ज्वेलरी भी मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, जल्दी ही मैं सरोजनी का नेक्स्ट पार्ट आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।